वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में रविवार का कोरोना कर्फ्यू हटाया, खुलेंगी दुकानें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस नियंत्रण में है। प्रदेश में 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया और एक्टिव केस घटकर 1000 के नीचे पहुंच गए। ऐसी स्थिति में रविवार का कोरोना कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू पूर्व की तरह जारी रहेगा। कोरोना के ब्रेक के बाद इंदौर में जल्द शुरू होगा मेट्रो ट्रेन का काम, कमिश्नर ने ली मीटिंग। कोरोना की दूसरी लहर से उभरे इंदौर में जनजीवन फिर पटरी पर लौट रहा है। प्रशासनिक गतिविधियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट पर फिर काम शुरू हो गया। इंदौर कमिश्नर के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट की टीम ने कल बैठक की और विस्तार से समीक्षा की गई। पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल ने फिजियोथेरेपिस्ट और रेडियोग्राफर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 27 जून है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आधिकारिक वेबसाइट mponline.gov.in के जरिए आज 27 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक 29-30 जून और 1 जुलाई को कराएं दस्तावेजों के सत्यापन, वरना पात्रता होगी निरस्त। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आखिरी मौका दिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के चयनित परीक्षार्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 29-30 जून और 1 जुलाई को आखिरी मौका दिया है। इन 3 तारीखों में सत्यापन न कराने वाले चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त की जाएगी। अब मानव तस्करी से निपटेगी एमपी की महिला पुलिस, गजट नोटिफिकेशन जारी। मानव तस्करी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की महिला पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने उन पर भरोसा जताया है, इसको लेकर अब गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के महिला थानों में मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच हो सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के 6 लाख लाभार्थियों को सरकार ने जारी किया नोटिस। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 6 लाख से अधिक मकान का निर्माण अधूरा है। ऐसे लाभुकों को राज्य सरकार द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है कि जल्द निर्माण पूरा कराएं, नहीं तो कार्रवाई होगी। ये ऐसे लोग हैं जो सरकार से पहली अथवा दूसरी किस्त प्राप्त कर चुके हैं पर निर्माण कार्य अधूरा छोड़े हुए हैं। हाईस्कूल में मिले कुल अंकों पर बोनस देकर 12वीं का परिणाम देने की कवायद। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में हायर सेकेंडरी के परिणाम परीक्षा का अंतिम आधार हाईस्कूल परीक्षा 2019 का रिजल्ट ही रहेगा। इसी को आधार बनाकर ताना बाना बुना जा रहा है। हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के समान विषयों में अंक देने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा प्रदेश प्रभारी का बयान, पार्टी शिवराज सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिवराज सरकार जो काम कर रही है उसमें पार्टी हर कदम से कंधा मिलाकर साथ देगी। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें सफल बनाने के लिए पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता पूरा सहयोग करेंगे। लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में पदस्थ होंगे आईपीएस। प्रदेश के लिए जल्द ही आईपीएस कैडर रिव्यू के आदेश जारी हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने प्रदेश के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसके आदेश होने के बाद प्रदेश सरकार की जांच एजेंसी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में राज्य पुलिस सेवा के प्रमोटी अफसर की जगह आईपीएस अफसर पदस्थ होंगे। महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी। महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलने से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई। कर्मचारी आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर करने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने में गड़बड़ी या धोखाधड़ी का डर अब होगा खत्म। मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने में गड़बड़ी या धोखाधड़ी का अब कोई डर नहीं होगा। कोई भी खरीदार जमीन खरीदने के पहले ये जान सकेगा कि उस भूमि को लेकर कोई विवाद तो नहीं, किसी न्यायालय में कोई प्रकरण तो नहीं चल रहा और जो जमीन बेच रहा है वो वाकई में उसकी है या नहीं। जिले में खाद की कमी से जूझ रहे किसानों को मिलेगी राहत। मॉनसून सक्रिय होने के बाद खरीफ की बुआई की तैयारी में जुटे किसानों को खाद की किल्लत से अब राहत मिल जाएगी। 1-2 दिनों में पुष्प राजगढ़ सहित कोतमा में डीएपी की कमी को दूर करने 200-200 मीट्रिक टन डीएपी खाद की उपलब्धता विभाग द्वारा कराई जाएगी। कटनी के झुंकेही में लगभग 2450 मीट्रिक टन की रैक लगी है। हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को दी लिव इन में रहने की मंजूरी, लेकिन लड़के को माननी होंगी ये बातें।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच ने एक प्रेमी युगल को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की मंजूरी दे दी, लेकिन कोर्ट ने प्रेमी लड़के को कुछ शर्तों में बांधा है, जिसके तहत युवक को अपनी प्रेमिका को खुश रखने का शपथ पत्र देना होगा। इतना ही नहीं, हर हफ्ते पैरा लीगल वॉलंटियर्स उनके पास जाएंगे और लिव इन में रह रही प्रेमी जोड़े के हालातों की रिपोर्ट लेंगे। 7 महीने पूरे होने पर देश भर में अन्नदाताओं का प्रदर्शन जारी। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भर में राजभवनों के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा भी मंडरा रहा है। आरजीपीवी से संबद्धता के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। कोरोना संक्रमण के कारण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कॉलेजेस की मान्यता व संबद्धता के लिए आवेदन करने की तारीख आगे बढ़ा दी। वहीं आरजीपीवी ने संबद्धता देने के लिए कॉलेजेस को आवेदन करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया। तकनीकी शिक्षा विभाग भी 10वीं 12वीं और यूजी के अंतिम वर्ष के रिजल्ट के इंतजार में बैठा हुआ है। 3 दिनों तक एमपी में होगी झमाझम बारिश। छिंदवाड़ा रीवा में हैवी रेन का अलर्ट। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। खासतौर से मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक छिंदवाड़ा, सिंगरौली, सीधी और रीवा समेत पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। यूपीपीजी की ओपन बुक पद्धति से परीक्षा 8 जुलाई से होगी शुरू। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय यूजी के प्रथम व द्वितीय वर्ष और पीजी के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से ओपन बुक पद्धति से लेनी शुरू होंगी। स्नातक प्रथम वर्ष के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीसीए, बीबीए और बीकॉम ऑनर्स की परीक्षा 10 जुलाई और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होगी। स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा के प्रश्न पत्र 10 जुलाई से 16 जुलाई तक अपलोड होंगे। उनकी कॉपी 16 से 23 जुलाई के बीच विषयवार जमा होंगी। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा के पेपर 8 जुलाई से 14 जुलाई तक अपलोड होंगे। उनकी कॉपी 14 से 20 जुलाई के बीच जमा होगी। भोपाल में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया मामला। एमपी में अब तक कुल 8 केस। देश में कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट बढ़ रहे हैं। भोपाल में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आया। आई जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट में संत हिरदाराम नगर में 30 साल के युवक में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई। युवक इसी महीने कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए चिरायु अस्पताल में भर्ती हुआ था। अब बच्चों पर होगा कोवोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल। सीरम जल्द डीसीजीआई के पास करेगा आवेदन। देश में महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक देने वाली है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही कोवोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर करने जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट पर तैयार स्पा, जिला प्रशासन की अनुमति का इंतजार। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पा बनकर तैयार हो गया है। इसे शुरू करने के लिए जरूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी एयरपोर्ट प्रबंधन को मिल गया है। जिला प्रशासन द्वारा अभी इंदौर में स्पा सेंटर को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए जैसे ही अनुमति मिलती है प्रबंधन इसे शुरू कर देगा। सांसद विधायक नहीं बन सकेंगे सहकारी बैंकों के निदेशक। आरबीआई ने गाइडलाइन में बताया कि शहरी सहकारी बैंकों में एमडीडब्ल्यूटीडी पद के लिए विधायक, सांसद या नगर निगम प्रतिनिधियों को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता परा स्नातक या वित्तीय क्षेत्र की डिग्री मानी जाएगी। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए या बैंकिंग में डिप्लोमा अथवा सहकारी कारोबार प्रबंधन में डिप्लोमा धारक को भी एमडीडब्ल्यूटीडी नियुक्त किया जाएगा। किसान के पास 4,000 रुपए पाने का सुनहरा मौका। पीएम किसान योजना के तहत नए किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। अगर कोई किसान 30 जून से पहले इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके खाते में 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और कोई किसान 30 जून से पहले योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे जुलाई में इस योजना की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए मिल जाएंगे। शिव कुमार शर्मा ने कहा एमपी सरकार कुछ सबक सिखाएंगे किसान। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर शनिवार को राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने निकलने से पहले ही शिव कुमार शर्मा सहित किसान नेताओं को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। वहीं नर्मदा आंदोलन चलाने वाली मेघा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, सरोज बादल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोककर गांधी भवन में बंद कर दिया गया। पर्सनल लोन से बहुत सस्ता और आसानी से मिलता है LIC पॉलिसी के बदले लोन। कोरोना महामारी के कारण लोग स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी बदहाल हैं। जहां लाखों लोगों की नौकरी चली गई, वहीं करोड़ों के बिजनेस बर्बाद हो गए।
लोगों की फंड की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको भी सस्ते लोन की जरूरत है तो आपको LIC पॉलिसी बहुत मददगार साबित हो सकती है। LIC पॉलिसी पर मिलने वाला लोन पर्सनल लोन से भी सस्ता है और आसानी से भी मिलता है, साथ ही इसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लगी आग। देश में पेट्रोल व डीजल दोनों ही उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 35-35 पैसे का उछाल आया। क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा होने के चलते पेट्रोल डीजल के भाव में तेजी आई। क्रूड ऑयल WTI का भाव बढ़कर $74 प्रति बैरल पर पहुंच गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।